हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप भी शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, जो कि नॉर्मली आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है शॉर्ट वीडियो बनाना, और शॉर्ट वीडियो बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग वीडियो के मुकाबले काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें आपको काफ़ी जल्दी ग्रो करने का मौका मिलता है। बहुत जल्दी आप अपने चैनल को इसमें ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। तो YouTube पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपका शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाए और जल्दी से आपका चैनल ग्रो हो जाए। तो देखिए, YouTube शॉर्ट वीडियो लगभग आप एक मिनट तक बना सकते हैं, एक मिनट तक का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली शॉर्ट वीडियो में आता है। और इसके अगर हम फ्रेम की बात करें तो आप 1.1 का फ्रेम भी रख सकते हैं, या फिर आप 9.16 का फ्रेम रख सकते हैं। मतलब ये है कि शॉर्ट वीडियो इन दोनों में ही बनाए जाते हैं, तो आपका फ्रेम ही होना चाहिए। इसके अलावा देखो, आप शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो टॉपिक सोचा ही होगा कि आपको किस टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो बनाने हैं। जैसे कि हम लॉन्ग वीडियो में सोचते हैं, वैसे ही हम शॉर्ट में सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई चैनल है, कुकिंग चैनल है, या फिर हमारा हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, कॉमेडी चैनल है, तो हम उसके छोटी छोटी क्लिप काट के अपने वीडियो में लगा लेते हैं, शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, या फिर हम अलग से भी शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं। कुछ लोग तो कुछ भी डाल देते हैं, उनका भी शॉर्ट वीडियो चलना लग जाता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा चलता भी है। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी और का कंटेंट ले लेते हैं और उसमें छोटा सा कट करके और पीछे से आवाज़ दे के जो है अपना वीडियो बना लेते हैं। बहुत सारे आपने फैक्ट वाले चैनल देखे होंगे जो कि किसी और का वीडियो दिखाते हैं लेकिन वॉइस खुद का डाल देते हैं, उनका भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चलता है, काफ़ी वायरल हो जाता है और चैनल भी काफ़ी ग्रो करता है। तो अब आपको सोचना है कि आपको किस टॉपिक पे बनाना है, कैसे बनाना है, वो तो आपके हाथ में है। और देखिए, आप डायरेक्ट YouTube से भी अपलोड कर सकती हैं। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके जहाँ पे YouTube शॉर्ट लिखा हुआ होता है वहाँ पे करते हो, तो वहाँ पे केवल 15 सेकंड का ही आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधा अपने वीडियो पे जाके शेयर करते हैं तो आप 1 मिनट का आराम से शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अब देखो, जब आपका वीडियो अपलोड होने लग जाता है तो आपको प्राइवेट में ही रखना है वीडियो को, और आपको क्या करना है कि YT स्टूडियो में आ जाना है। आपको वहाँ पे आके क्या करना है कि सबसे पहले अच्छा सा टाइटल लिखना है, ताकि टाइटल आपका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ताकि लोग एकदम से ही खोल के देखें। आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग टॉपिक होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को एकदम से ही लगे कि हाँ मुझे देखना है। तो पहला ये है। बाकी कई बार आप स्क्रॉल करते रहते हैं तो अपने आप पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आते रहते हैं, अच्छा लोगों को लगेगा तो लोग रुक जाते हैं और आपके चैनल पे आके देखते भी हैं कि और कौन कौन से वीडियो हैं। तो अच्छा वीडियो होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन आप कैसा भी लिखें, छोटा, लॉन्ग, बड़ा, कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस बारे में आपका वीडियो है, टॉपिक है, उसके बारे में हल्का सा आप लिख दीजिए। शॉर्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका टैग का। तो टैग आपको बहुत ही सोच समझ के और यूट्यूब के द्वारा बताए गए टैग का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपका टैग होना चाहिए यूट्यूब शॉर्ट, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट, YT शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो इंडिया, शॉर्ट्स वायरल, शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स इंडिया, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो, वायरल वीडियो, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब चैनल वीडियो, वायरल वीडियो 2022। इसके अलावा आपको अपने चैनल का नाम भी देना होगा, और आपको जो है जिस बारे में वीडियो है उसके बारे में भी टैग लगाने होंगे। तो ऐसे में वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और देखो, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो करने के चांसेस होते हैं, तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाने की कोशिश करें। बाकी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसा भी वीडियो बना रहे हैं, चाहे किसी और का कंटेंट ले रहे हैं, खुद का कुछ बना रहे हैं, या फिर आप कुछ भी बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग ना कुछ भी डाल देते हैं, अपने घर के लोगों को डाल देते हैं, बच्चों को डाल देते हैं, उनका वीडियो भी चल जाता है। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज वीडियो अपलोड कर दिया फिर 10 दिन के बाद कर रहे हैं, 20 दिन के बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है बाई चांस कोई वीडियो वायरल हो जाए या फिर ना भी हो, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। अगर आप रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, या फिर आप दिन में कई बार वीडियो अपलोड करते हैं, यानी कि लगातार आपको कई दिनों तक वीडियो अपलोड करना होगा, तब जाके आपका कोई ना कोई वीडियो वायरल होने लग जाएगा। जब आपका वीडियो चलने लगे, वायरल होने लगे, तो आप उसी टाइप की और भी वीडियो बना के अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे में
आपका चैनल और जल्दी ग्रो करेगा। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप रोज़ाना वीडियो अपलोड कीजिए और जो भी आपका वीडियो चल रहा है उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए और हैशटैग का सही इस्तेमाल करें, सही टैग का इस्तेमाल करें, तो आपका वीडियो ज़रूर चलेगा और आपका शॉर्ट चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा।